हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे, आज हम क्लास नाइन्थ का मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोग बताया था कि किसी रियल नंबर को कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि जो रियल नंबर होता है उसको नंबर लाइन पर भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो रियल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले आपको बताया था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बताए थे बच्चे। चलिए, तो जो हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिए, फिर उसके बाद इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है वो बता दिए। तो अब तो रियल नंबर, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, सपोज ये 3/5, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया था बता दिए थे। इसके बाद सपोज आपको किसी भी, जैसे पाई का वैल्यू या रूट टू का वैल्यू, रूट थ्री का वैल्यू, रूट फाइव का वैल्यू, जो भी ये सब का भी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब किस कैटेगरी में आता है, भैया इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। टोटल कैसे नंबर लाइन प्रेजेंट किया जाता है बता। आज हम कुछ नंबर जैसे रूट 9.2, रूट 5.3, रूट 7.2, इस टाइप के नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई ग्राफिकल मेथड से या ग्राफिकल रूप से हम कैसे शो कर सकते हैं, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बारे में क्या जानना है, तो सबसे पहले इस टाइप के नंबर को कैसे हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए तो देखिए क्या होता है, सपोज यहां लिख लो पहले, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव रियल नंबर। On number line, चलिए ये सपोज जैसे रूट एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 5.3, एक्स इज इक्वल टू 7.5, एक्स इज इक्वल टू 7.3, एक्स इज इक्वल टू 9.3, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, रियल नंबर हो, और वो क्या हो कि जो भी पार्ट हो वो ये मतलब ये डेसिमल पॉइंट में ही वैल्यू कुछ हो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो सपोज हमको रूट एक्स को रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं कि क्या होता है रूट एक्स, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसका पहला स्टेप होता है कि जो वैल्यू ये दिया हुआ यहां पर क्या है, ये रूट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है वो उतना ही वैल्यू का एक लाइन ड्रॉ करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ, सपोज ये कुछ भी वैल्यू दो, तो हम यहां से यहां तक एक एक्स डिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। क्या है ये, इस पॉइंट से इसकी क्या है एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद इस पॉइंट पे तो एक्स ले लिया, इसके बाद अपने मन से वन यूनिट का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, वन यूनिट, जो भी यूनिट तुम अपना लो, वन यूनिट का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वन यूनिट, ठीक है। यहां अब जो एक्स और ये वन यूनिट के बाद जो इसका मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है, इसका इसका नहीं, एक्स का वैल्यू का नहीं, ये पूरे का इस पॉइंट से लेके, चलिए इस पॉइंट का हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं,
या इसे बी कर देते हैं, इसे सी कर देते हैं। मतलब कि ए से लेके सी तक जितना डिस्टेंस हुआ, ए से सी तक जो भी डिस्टेंस हो, इसका मिडिल पॉइंट को फाइंड करना। तो मिडिल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, चाहे आप स्केल से मेजर करके मिडिल पॉइंट फाइंड कीजिए, चाहे आप क्या करिए कंपास के थ्रू क्या कीजिए, यहां से एक चाप लीजिए, यहां से एक चाप लीजिए, इसी तरह से यहां से नीचे एक चाप लीजिए, इसी तरह से नीचे यहां चाप लीजिए, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैच करा देगा वो इसी का मिडिल पॉइंट होगा। तो वो उसके तो आप तो बुक कॉपी वगैरह बनाइएगा तो उसके लिए फायदा है। अभी के लिए बता रहे हैं जो इतने जो लाइन ये दिया हुआ, इस लाइन का मिडिल पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। तो मिडिल पॉइंट इसका कौन सा होगा, ये मिडिल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ये, चलिए इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट लेने के बाद यहां से चाप को रखना और यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। चलिए यहां से एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ किए, कहां गया, यहां है, ठीक है। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दी। अब इस सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये तो इसका मिडिल पॉइंट है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हम एक्स डिस्टेंस का जो ये एक्स यूनिट लेते, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट पे जो एक्स का डिस्टेंस ए टू बी क्या है, एक्स का डिस्टेंस है जो इस पॉइंट का है, इसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, चलिए इस लाइन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं अपना मन से, ठीक है। फिर इसके बाद जो इतना जो डिस्टेंस आया, क्या आया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए, ये आपका 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगी। जब जो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस इसका होगा, इसी डिस्टेंस को मेजर करके इस पॉइंट पर रखना, इतना ही डिस्टेंस इक्वल यहां एक मेजर करना कि कहां पे पॉइंट आता है, ठीक है। कि इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस ई होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। इसी का डिस्टेंस के बराबर यहां लेना है, ठीक है। सपोज यहां आया, अब यहां से क्या करना है, वही कंपास से रखिए और यहां से एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए, जहां पे लाइन ये मैच किया, मतलब कि ये जो वैल्यू दे रहा है, यही वैल्यू इसको, यही वैल्यू हमको रूट एक्स देगा, ये परपेंडिकुलर, ये बोलो चाहे बी टू इसको, ये डी बोल दो, इसको ई बोल दो, या तो बी, देखिए बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू रूट एक्स, यही पॉइंट जो नंबर लाइन पे देगा, यही आपको रूट एक्स का वैल्यू देगा। आई बात समझ कि रूट एक्स कैसे दे रहा है। चलिए अब तो आप समझ रहे हैं कि, चलिए सर कि आप बताएं कि रूट एक्स देता है, ठीक है, आपको भी समझ में आ रही है कि रूट एक्स दे रहा है। हम बोलेंगे नहीं, ये तो ऐसे ही बता दिए, तो मनगढ़ंत कहानी था, हमको प्रूफ दिखाओ, प्रूफ हमको चाहिए ना। हम बोलेंगे नहीं ये सर कैसे कर दी, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम कैसे माने कि यही एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा, रूट एक्स का यही पॉइंट पे इसका वैल्यू आएगा, हम कैसे माने। मानने के लिए कोई प्रूफ देंगे तो ना, एविडेंस देंगे तभी तो आप इस पर जजमेंट कीजिएगा। तो देखिए चलिए इसका हम कुछ प्रूफ देखते हैं, इसी का हम प्रूफ देखते हैं। क्या प्रूफ है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए प्रूफ क्या है, सपोज इसे कहां में प्रूफ दे रहे हैं, इसे लाइन को इस सेंटर से, इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है, कि ये कैसे है, इसे लाइन को इस सेंटर से। चलिए प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हम साइड में फिगर को बनाते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ रही है कि रूट एक्स का वैल्यू ये दे रहा है, यही फिगर हम सेम फिगर बगल में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइड में आपको हम प्रूफ देंगे, यहां पे प्रूफ,
प्रूफ। अब देखिए ये फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए क्या था, ये पॉइंट ए, इसको पॉइंट हम बी मान लेते हैं। ये कितना है, वन यूनिट, ये वन यूनिट। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना बताए थे, एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या बताए थे कि जो इस लाइन पे एक यूनिट नहीं है, इसका एक यूनिट, देखिए गलत फिगर बना दी, ये फिगर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे आएगा ना, ठीक है। ये इसका वन यूनिट, ये वन यूनिट, ये भी यहां से, यहां से यहां कितना आ जाएगा, और ये वन यूनिट, ठीक है। ये पॉइंट मानते हैं सी, इसका ये सेंटर मान लेते हैं यहां, ये सेंटर ओ। इस पे क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, जो डिस्टेंस ये था वही डिस्टेंस यहां आएगा। तो जितना मान सपोज यहां कट किया, तो यहां से ठीक है, ये सपोज यहां इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अब देखिए प्रूफ कैसे है कि हाँ ये सही है या गलत। तो सबसे पहले इस पे इस सेंटर से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल जो हो गया, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बोलो कैसे, क्योंकि सर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि इसमें क्या करना है कि हम सपोज लेट 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 ये यही वैल्यू हम निकाले थे ना, ये रूट टू रूट एक्स, यही वैल्यू ना, यही जो लाइन था, लेट बीडी इज इक्वल टू रूट एक्स। हम सपोज मान लें कि बीडी क्या है, रूट एक्स। ये हम प्रूफ हम नहीं किए, सपोज मान लिए, कुछ भी हो जाए रिजल्ट के बाद तो पता करें, अरे पहले कुछ करेंगे तब तो रिजल्ट पता चलेगा ना। तो चलिए हम पहले रिजल्ट क्या करते हैं कि ये बीडी जो हम मान लिया, उसको हम रूट एक्स मान लिया कि ये रूट एक्स होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, अब बनाते हैं कि होगा कि नहीं। तो चलिए रूट एक्स हो गया बीडी। अब यहां पर क्या आ रहा है, एक आ रहा है कि जो ये अपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। एल बोले तो उसका हाइट, ठीक है, एल का स्क्वायर, लेंथ बोलिए चाहे हाइट बोलिए, तो हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, ओडी। अरे इस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस ओडी, तो यहां पर लिखिए कि ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस इसका ओ बी, इसी पॉइंट पे बेस है ओ बी, ये बी माने थे, ओ बी बेस हो गया, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस लेंथ, इसका लंबाई क्या है, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर,
इतना समझ में आ रहा है कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये वैल्यू लिखे हैं। पैथागोरस थ्योरम के क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, एल का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो जो बेस है, बेस का स्क्वायर एल है, तो लेंथ का स्क्वायर। तो अब यहां पर देखना है कि हमको फाइंड का प्रूफ करना है कि बीडी इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो बीडी को बाहर निकाल लेते हैं। तो बीडी स्क्वायर यहां है, तो बीडी को यही साइड रहने देते हैं। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी है, ये ओबी है, तो ओबी की प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ओबी को हम ये साइड ला रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया है, इस वैल्यू को शिफ्ट कर दिए, इस वैल्यू को यहीं पर रहने दिए, इस वैल्यू को यहां ला दिए। तो जो ओडी प्लस में तो प्लस में ही है, इस वैल्यू को यहां लाए तो माइनस में हो गया। बस यही इतना करना था। अब इसके बाद देखना है बीडी का स्क्वायर जो, अब ओडी का स्क्वायर, ओडी का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ओडी ओडी का वैल्यू कहां से निकाल। आपको जाहिर सी बात है कि देखिए जो ये क्या है, सेमी सर्किल हुआ, ये डायमीटर हो गया इसका, ये क्या था, सेंटर था। अरे ये आर्क का ये सेंटर यही ना है, तो ये सेंटर ये है, तो इस सेंटर से जो भी इसके आउटर मतलब सर्कमफ्रेंस पे जो भी लाइन टच करेगा उसका एक रेडियस कहलाएगा। इतना तो आपको बात पता ही होगा कि जो भी सेंटर से लाइन पास होगा और उसके आउटर सरफेस आउटर पार्ट पे टच करेगा, जो भी लाइन किसी भी पॉइंट पे सेंटर से लाइन निकले और किसी भी पॉइंट पे टच करेगा, इसका एक रेडियस कहलाता है। तो अब हमको निकालना है ओडी, ओडी इज इक्वल टू ओसी लिख सकते हैं, क्योंकि ओसी भी तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये भी तो एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, दोनों एक रेडियस है। आई बस में तो रेडियस क्या हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ओडी, जो ओडी होगा, ओडी इज इक्वल टू ओसी, ओसी इज इक्वल टू, और साइड से थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जो ओडी होगा ओडी इज इक्वल टू ओसी, ओडी इज इक्वल टू ओसी, क्योंकि दोनों एक रेडियस है। अब इसके बाद देखिए, अब ये यहां से यहां का वैल्यू हमको नहीं पता है, ना हमको इसका वैल्यू पता है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए हमको यहां से तो यहां डिस्टेंस पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स है और यहां से यहां का डिस्टेंस वन है, तो हम यहां से यहां को हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन, इस वैल्यू को प्लस वन जोड़ देंगे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, और डायमीटर का ही हाफ रेडियस होता है, आपको पता ही होगा। तो इस वैल्यू, ये तो डायमीटर हो गया, डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस, इसको दो से डिवाइड कर दिए, ये हमारा रेडियस आ गया। अब एक और इसमें से रिजल्ट क्या आता है, अब तुमको ओडी निकालना है, ये तो ओबी ओडी सॉरी ओडी तो पता चल गया, अब हमको ओबी निकालना है। अब ओबी हमको भी अननोन है, ओबी कैसे निकालेंगे, तब यहां लिख सकते हैं ओबी इज इक्वल टू, ओबी इज इक्वल टू यहां से यहां का वैल्यू कितना, एक्स है, एक्स हम लिख लेते हैं, इस एक्स में क्या हम माइनस करें कि इसके और इसके दोनों प्लस के बराबर में आ जाए। तो जैसे यहां से यहां तक क्या था, एक इधर एक यूनिट लिए, एक यूनिट ये था लिए हुआ, अगर एक यूनिट इधर भी ले लेंगे तो यहां का वैल्यू प्लस यहां का, एक यूनिट मान सपोज यहां हम ले लिए, ये भी एक यूनिट हो गया, इधर भी एक यूनिट हो गया, इधर भी एक यूनिट हो गया, दोनों एक एक यूनिट हो गया, तो जो बीच का ही वैल्यू बचेगा, बीच का वैल्यू बचेगा, ये ओबी का ये आधा दुगना बचेगा कि नहीं, क्योंकि इधर से भी एक माइनस हो गया, इधर से भी एक माइनस हो गया, तो जो ये बीच का वैल्यू बचा, ये मतलब हुआ कि जो एक्स में माइनस वन कर देंगे तो ये दोनों के ओबी के दुगना वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स में माइनस वन कर दिए और ये इतना का वैल्यू हो गया, एक्स में माइनस ये वन कर दिए तो कितना, यहाँ इतना का वैल्यू हो गया, मतलब ओबी की दुगना वैल्यू है, तो ओबी के दुगना को हमको ओबी सिर्फ निकालना, तो इसका हाफ कर देंगे तो एक्स माइनस वन वाई टू, तो ये हमको वैल्यू क्या निकल गया, ओबी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए, ये आपका रिजल्ट था। अब देखिए क्या, एक्स माइनस वन आ गया, अब यहां से वो वैल्यू को रखिए तो कितना आ जाएगा, बी डी को हम बी डी लिखेंगे भाई, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल ओडी का स्क्वायर, ओडी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, तो
एक्स प्लस वन वाई टू का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर एक्स माइनस वन, ओ बी क्या है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन वाई टू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब तो आसान है सॉल्व करना, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है माइनस, अब इसको कीजिए एक्स माइनस वन का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा फोर। फोर क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे दो है तो दो का भी स्क्वायर चार हो गया। अब इसी तरह से इसमें कीजिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है बी डी स्क्वायर, चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं, नहीं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है चलो इधर ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब बी डी जो स्क्वायर हो गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया एक्स प्लस वन एक्स, इसको अब तोड़िए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब इसको क्या माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस टू एक्स, ठीक है ये आपका टू एक्स। अब इसको डिवाइडेड बाय पूरा से कर दीजिए, ठीक है डिवाइडेड बाय इसमें भी फोर है इसमें फोर, तो जाहिर सी बात है टोटल इज इक्वल टू फोर, डिनोमिनेटर में सेम है तो पूरे में फोर से डिवाइड कर दिए। अब यहां से वैल्यू काटो क्या होगा एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, अब बचा टू एक्स प्लस टू एक्स बचा, तो यहां से लिख सकते हैं जो बी डी स्क्वायर होगा पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल, ठीक है। अब इज इक्वल टू देखिए जो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स, क्योंकि एक्स वैल्यू बचा इसको रूट स्क्वायर को रूट में किए तो क्या आ जाएगा रूट एक्स, तो हमको क्या गया क्या माने थे बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, रिजल्ट भी क्या आया बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, इसका मतलब जो हम वैल्यू निकाले थे कि रूट एक्स ये लाइन होगा इसका मतलब 100% करेक्ट है कि ये हाँ सच में ये वैल्यू रूट एक्स का देगा या यही वैल्यू रूट एक्स का देगा, ठीक है। चलिए तो आप जा आपको ये क्लियर हो गया, अगर जो भी डॉट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। ये आपका रिजल्ट था कि ये प्रूफ कि किस तरह से हम क्या पहले किए थे भाई पैथागोरस थ्योरम यूज किए, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हुए बस ये एक एंगल को ड्रॉ किया था, क्या इसमें है कि सेंटर को इस आर्क में इस पॉइंट पे हम मैच कर दिए थे, सेंटर को इस पॉइंट पे मैच कर दिए थे, ये कौन क्या बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है बेस भी है और लेंथ भी है, तो बस पैथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है पैथागोरस थ्योरम में यही बोलता है कि जो हाइपोटेनस होगा जो किसके बराबर होगा हाइपोटेनस होगा जो बराबर होगा रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस उसका हाइट का स्क्वायर, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अगर कर देंगे तो उसका किसके बराबर आ जाएगा ये हाइपोटेनस के बराबर, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं इस पॉइंट को हाइपोटेनस, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज और जो भी 1.5 शायद 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको डॉट लग रहा है किसी भी पॉइंट पे तो आप कैलकुलेशन देख लेंगे ये देख लेंगे जो भी आपको डॉट लगे कमेंट सेक्शन बता दीजिए, या मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है दिया हुआ आप उस पर मैसेज कीजिए आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।